सोमवार की। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ है, शिव भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं और जयकारे भी लगा रहे हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए यह सोमवार सबसे शुभ और फलदायी है। ज्येष्ठा नक्षत्र में भगवान शिव की पूजा करने से हर श्रद्धालु को इसका लाभ जरूर मिलता है। तो वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर की तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर की तस्वीरें, अलग अलग लोग लेकिन भक्ति और भावना और जो श्रद्धा और विश्वास है वो बिल्कुल एक ही। मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और बम बम भोले के नारों से जो शिवालय है वो भी गूंज रहा है, क्योंकि आज आखिरी सोमवार है सावन का और ऐसे में हर शिव भक्त की यही कामना है कि वो मंदिर जाए और जो जलाभिषेक है वो करे, भगवान शिव की ज्यादा से ज्यादा कृपा पाए। ज्येष्ठा नक्षत्र में भगवान शिव की पूजा करने से हर श्रद्धालु को इसका लाभ जरूर मिलता है। आज का दिन और संयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है और इसलिए मंदिरों में तांता लगा हुआ है शिव भक्तों का जगह जगह। हालांकि जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी काफी व्यापक है, हर मंदिर पर जो नजर है वो पुलिस और प्रशासन की भी है। और मेरठ से हमारे सहयोगी नरेंद्र भी सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। नरेंद्र, सावन का ये आखिरी सोमवार है और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संयोग के साथ आया है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं नरेंद्र? देखिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संयोग है कि एक तरफ जो ईद की नमाज है वो चल रही है और दूसरी तरफ जो शिवालयों में आज शिव भक्तों की जो भीड़ है वो भी उमड़ रही है। उसकी वजह यह है कि आज आखिरी सोमवार है सावन के महीने का और सबसे पवित्र महीना ये शिव की आराधना के लिए माना जाता है, इसलिए यहाँ पर इस वजह से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी काफ़ी चौकस की गई है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये मैं मंदिर के अंदर खड़ा हुआ हूँ और मंदिर के बाहर अगर आप देखेंगे तो नमाज चल रही है। ये मेरठ का दृश्य है, बिल्कुल इस तरीके का दृश्य है जो रेयर होता है और आप देखेंगे कि बिल्कुल सामने ही नमाज चल रही है और दूसरी तरफ जो शिवालय है वहाँ पर जो शिव भक्त हैं वो उमड़ रहे हैं और अपने इष्ट की आराधना कर रहे हैं। तो आखिरी सोमवार है इस सावन के महीने का और काफ़ी पुण्य ये महीना माना जाता है, खास करके जो सोमवार के दिन है वो काफ़ी ज़्यादा पूजे जाते हैं। इसलिए लेकिन जो तस्वीर आपने दिखाई है वो निश्चित तौर पर काफ़ी लोगों के जो अक्सर धर्म और भावना के नाम पर भड़काने की कोशिश करते हैं उनका मुंह बंद करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि एक तरफ मंदिर परिसर जो है उसी के पास नमाज अदा की जा रही है और दूसरी तरफ जो मंदिर है वहाँ पर भी भक्त आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तस्वीर अपने आप में काफ़ी कुछ कहती हुई नरेंद्र। बिल्कुल, काफ़ी कुछ कहती हुई ये तस्वीर है और मैं आपको बता दूं ये मेरठ का मिड इलाका है, दिल्ली रोड का इलाका बोला जाता है और चूंकि जो जामा मस्जिद है उसमें बहुत ज़्यादा जगह नहीं है और आज के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने भी अलाउ किया हुआ है कि जो अकीदतमंद हैं, जो नमाजी हैं, वो सड़क पर अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। तो हज़ारों की तादाद में जो नमाजी हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ जो शिवालयों की भीड़ है वो ज़बरदस्त आ रही है। पंडित जी हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आज सावन का आखिरी सोमवार है तो क्या महत्ता है आज के दिन की और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज नमाज भी अदा की जा रही है। बहुत बढ़िया बात है, ईद की नमाज और सावन का आखिरी सोमवार पहली बार पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सावन के सोमवार में पूजन करने भी भक्त काफ़ी उत्साहित आ रहे हैं और ईद की नवाजी भी जो है बड़े उत्साह के साथ नवाज पढ़ रहे हैं तो आनंद आता है। और श्रावण का वैसे आखिरी सोमवार तो ये जो है इतिहास में एक अलग ही सोमवार मान्य होता है। अच्छा, ये भी देख रहे हैं कि जो नमाजी है उनका जो मुंह है वो भगवान के श्री चरणों की ओर है ना, तो एक तरह से देखें कि अल्लाह की इबादत के साथ साथ भगवान की पूजा इबादत हो रही है। ये जो कलर है निश्चित तौर पर नरेंद्र, ये कलर है इंडिया का ही और ये रंग है इंडिया का ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र और धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, शिवालयों में जो है भक्तों की भारी भीड़ है और बम बम भोले के नारों से गूंजा है शिवालय और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे और हम बातचीत भी कर रहे थे अपने सहयोगियों से, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है।
तो शिवालयों में देखिए भक्तों की भारी भीड़ है, जहां पर हम ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज एक तरफ सावन का आखिरी सोमवार है और दूसरी तरफ आज देश भर में ईद अल अजहा का भी त्योहार मनाया जा रहा है। और विवेक हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक, आप किस मंदिर के पास है? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरफ सावन का आज आखिरी सोमवार और अपने आप में संयोगों को लेकर आया है ये सोमवार। खड़ा हूँ आनंदेश्वर मंदिर में, जिसको परमट वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर जो है कि हर सोमवार की तरीके इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। अगर माना जाए तो अब तक जो है 1.5 लाख श्रद्धालु जो है दर्शन कर चुके हैं, और लाखों की भीड़ हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लाखों की भीड़ लगी हुई है। ये जो लाइन आप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लगभग 4 किलोमीटर की लाइन है, जो लोग 12 बजे रात से यहाँ पे लगे हुए हैं। आइए आपको कुछ लोगों से यहाँ पे बात कराते हैं कि ये कब से ये लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? कब से आप लाइन में लगी हैं? क्या आप इस मंदिर की क्या मान्यता है, क्या भगवान से मांगे थे आप? तो ये रात ये लोग दर्शन के लिए खड़े हुए हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये आनंदेश्वर मंदिर जो कानपुर का सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर है, इसको मिनी काशी के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो अपने आप में आनंद दे रही है विवेक, क्योंकि जो म्यूजिक वगैरह है, जो संगीत चल रहा है, वो अपने आप में जो है काफी कुछ बयां कर रहा है। और जैसा आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सुरक्षा के किस प्रकार के इंतजाम देख पा रहे हैं विवेक वहां पर? क्या व्यापक व्यवस्था देख पा रहे हैं वहां पर? सुरक्षा की व्यवस्था अगर देखी जाए तो आज पुलिस प्रशासन के लिए जो है बहुत बड़ी यहाँ पे वो है कि ये देखिए तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था देखिए तो कुछ जो व्यवस्थाएं हैं वो मस्जिदों में लगा दी गई है, बाकी जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पे लगाया हुआ है, डॉग स्क्वाड दस्ता भी है, और अभी कुछ देर पहले यहाँ ADJ जोन प्रेम प्रकाश भी थे। अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखे तो ये पुलिस चौकी जो बनी हुई है यहाँ पर जो है सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक तरफ जहां पर देश में आज सावन का आखिरी सोमवार है, जगह जगह मंदिरों की आपको हमने तस्वीर दिखाई, वहीं दूसरी तरफ क्योंकि भारत विविधताओं में एकता का देश है, पर्व त्योहारों का देश है, आज देश भर में ईद अल अजहा का त्योहार भी मनाया जा रहा है। इसे मुस्लिमों का पाक त्योहार माना जाता है। ये त्योहार कुर्बानी और भाईचारे का संदेश देता है। सुबह से लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, मस्जिदों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ईद उल अजहा है आज, जामा मस्जिद दिल्ली की एक तरफ तस्वीर, दूसरी तरफ हमीदिया मस्जिद मुंबई की तस्वीर, और आज प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सबने शुभकामनाएं भी दी हैं। और फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। जितेंद्र, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या जहां आप मौजूद हैं जिस मस्जिद के पास वहां पर नमाज अदा की जा चुकी है या प्रक्रिया चल रही है अभी? बिल्कुल खुशबू, जिस तरह 8:15 का टाइम था, यहाँ नमाज अदा हो चुकी है, मुख्य ईदगाह पर खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि भारी तादाद में लोग ईद मिलन में लगे हैं। ईद की नमाज के बाद अब ईद मिलन का कार्यक्रम चल रहा है। बकायदा राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संगठनों ने अपने अपने कैंप लगाकर, यहाँ तक कि प्रशासन का भी कैंप लगाया, खुशबू एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। और चूंकि फिरोजाबाद ही नहीं पूरा देश हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के नाम से जाना जाता है, यहाँ हिंदू हो चाहे मुसलमान एक दूसरों को गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं, वह सिलसिला चल रहा है। एक तरफ मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है, तो वहीं मस्जिदों में नमाज जा रही है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई इस तरह की फीलिंग नहीं है कि हम मुस्लिम मंदिर में से होकर क्यों निकले हैं और हम हिंदू हैं तो नमाज के लोगों से क्यों मिले। इन सब बातों को भुलाकर यहाँ कौमी एकता का, यही बात जो हमारे देश भारत को है सबसे ज्यादा अलग करती है, मंदिर हो, मस्जिद हो, जो भी पर्व त्योहार हो, सब लोग मिलकर बनाते हैं, और कहीं ना कहीं यही तस्वीर भारत को सबसे ज्यादा जुदा करती है हर चीज से। बिल्कुल खुशबू, जिस तरह पूरा भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक कौमी एकता के नाम से जाना जाता है, और उस चीज में अछूता फिरोजाबाद नहीं है, यहाँ भी सब लोग एक दूसरे को गले मिलकर, सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, क्योंकि आज सावन का सोमवार है, भगवान शिव का प्रदोष व्रत भी है, और इसी के साथ साथ ईद का त्योहार है।
यानी कि हिंदू मुस्लिम कौमी एकता को समर्पित एक ईश्वरी दिन कहा जा सकता है। श्रावण मास का सोमवार है, प्रदोष व्रत भी है और जो है ईद की नवाज है, तो तीनों संयोग हुए हैं। उस संयोग के तहत आज यहाँ यह पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शिवालयों में शिव का अभिषेक किया जा रहा है तो मस्जिदों में अल्लाह की इबादत। बिल्कुल बिल्कुल। और जितेंद्र, जहां पर आप है वहां पर इंतजाम किस प्रकार से, क्योंकि ये कहा जा रहा था जैसे हमने और भी बाकी सहयोगियों से बात की, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो सड़कों पर भी जो नमाज अदा करने की बात है वो भी की जा रही है, तो क्या किया जा रहा है वहां पर, उसके तहत क्या व्यवस्थाएं की गई है, आम लोगों को क्या कोई किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है उसको सुलझाने के लिए क्या कुछ किया गया है? बिल्कुल खुशबू, जिस तरह जिलाधिकारी और एसएसपी ने कल तमाम सामाजिक संस्थाओं से, तमाम हिंदूवादी संगठनों से, मुस्लिम उलमाओं से बातचीत की थी, उसमें सब चीज क्लियर हो गई कि सुबह जो कि नमाज का टाइम लगभग आधे घंटे का रहता है, उसमें लोग एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं सब सेटलमेंट के तहत, सेटलमेंट जो हुआ है उसके तहत आज शिवरात्रि का पर्व भी मनाया जा रहा है और ईदगाहों में नमाज भी अदा की जा रही है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है, मंदिर भी है, लेकिन मंदिर सामने बताई गई है कि पूजा करने वालों को दिक्कत ना हो, इधर नमाज पढ़ने वालों को दिक्कत ना हो, तो ये पूरा प्रशासन की एक तरह से तिगड़ी मानी जाए कि जनता और जो है, आप लगातार जो है तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे साथ, एसएस भी जुड़े हुए हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। एसएस, आपके पीछे जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जो कुछ नमाजी हैं वो खड़े हैं, क्या वहां पर नमाज अदा की जा चुकी है, क्या माहौल है वहां पर जितेंद्र? झा एसएस झा भी हमारे झांसी से सहयोगी जुड़े हुए हैं। एसएस, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि जो नमाजी हैं वो खड़े हैं, और क्या वहां पर नमाज अदा की जा चुकी है? एसएस, नमाज अदा हो गई है, आज बकरीद है, बकरीद के दिन आज सारे मौके पर यहाँ सारे लोग वहाँ पहुंचे हैं। और झांसी की बात करें, झांसी में पुलिस प्रशासन की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हमारे साथ हैं, किस तरीके के यहाँ पर कार्यक्रम आपके होते हैं, किस तरीके की नमाज होती है, कैसा मानते हैं आप लोग? देखिए, आज का जो दिन है वो दिन है ईद उल अजहा, ये सेक्रीफाइस का दिन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो इस्माइल उनके बच्चे हैं उनके ऊपर कुर्बानी है इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, और समस्त भारतवासी, हमारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सब ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और ये ईद उल अजहा का क्या है, ये सेक्रीफाइस है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम आप वालिद हैं और आप लड़के हैं, एक अल्लाह ताला ने इनसे एक एग्ज़ाम लिया और उस एग्ज़ाम में ये पास हुए, इन्होंने सेक्रीफाइस अपने बच्चे को, जिसकी उम्र आपकी उम्र 85 और आपके बच्चे की उम्र है सिर्फ 11 साल, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया पर ये कुर्बानियों का त्यौहार है, और वही बताते हुए नमाजी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एसएस, और आप सभी का भी इन तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रामपुर से भी खबर है, जहां पर रामपुर सांसद आजम खान ईदगाह पहुंचे, ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह पहुंचे आजम, बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ पहुंचे, हजारों नमाजियों के साथ नमाज पढ़ेंगे आजम खान, अपने बेटे के साथ पहुंचे हैं, हालांकि पिछले कुछ महीनों से जबरदस्त तरीके की परेशानियों से भी जा रहे हैं। और बात चलिए अब अलीगढ़ की करते, जहां ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है, नमाजी शाह जमाल ईदगाह जमा हुए हैं लोग, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज अदा होगी। तो ईद उल अजहा है आज, और जबरदस्त तरीके से उत्साह है नमाजियों में, पहुंच रहे हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज अदा की जाएगी। तो ये नमाजियों की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं आते हुए, और जो त्यौहार है उसमें शिरकत करने के लिए, जो नमाज है वो अदा करने के लिए। और वहीं आगरा में ईदगाह शाही मस्जिद पर अदा की गई नमाज, हजारों नमाजियों ने मस्जिद में नमाज अदा की, नमाजी नमाज अदा करने के बाद अमन और चैन की दुआ मांगते नजर आए, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। बकरीद और आखिरी सोमवार को लेकर पुलिस बल तैनात है। ईद उल अजहा है आज, और आगरा में भी जो व्यवस्था है वो काफी मुकम्मल दिखी, और नमाज अदा करते हुए नजर आए नमाजी, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। शाही मस्जिद पर अदा की गई नमाज। चलिए बढ़ते कुछ और खबरों की तरफ, और बात करते हैं
कि सपने को पूरा करने की लगन हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। अपने सपने को पूरा करने की इसी धुन में बिहार के एक नौजवान ने गजब का कारनामा कर दिखाया है। देखिए हमारी एक खास और स्पेशल रिपोर्ट। बिहार के लाल का कमाल, हर जिया तू हजार साल, कार को बनाया हेलीकॉप्टर, जिया है बिहार के लाला, सपनों को लगे उम्मीदों के पंख, जिया तू हजार साल, जिया तू हजार तनी नाची के इंसान में